हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेवाड़ी नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेवाड़ी ई नर्सिंग के अंदर इस चैनल पर अपन डेली क्लास है वो 7:30 बजे कंडक्ट करते हैं, लेकिन आज से हमारी क्लास 8 बजे कंडक्ट होगी। डेली 8 बजे लाइव रहेगी और इसका लिंक आपको 7:30 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो क्लास को जल्दी से जल्दी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी कैरी ऑन कर सकें। तो आपको आपका एक लाइक हमारी एनर्जी बूस्ट करेगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब देन शेयर, ये तीन काम आप ज़रूर कर दीजिए। एक 15 सेकंड का समय लेकर आप ये तीन काम जरूर कर दीजिएगा। सभी अनारकले और अनारकलियाँ दोनों मिलके ये काम जरूर कर दें। आपकी ये एक काम और आपकी ये एक सोच हमारे आप एनर्जी बूस्ट करेगी और उसकी वजह से हम और नए नए वीडियो और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। तो आपका ये काम है, बस छोटा सा काम है, वो ज़रूर करें ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी कैरी ऑन कर सके। यस, हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारी क्लास रहेगी आज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, पूरे के पूरे सिस्टम जिसमें एनाटॉमी भी आ गई आपकी और डिसऑर्डर भी आ गए, उन सब के एमसीक्यू लेके आया हूँ। कुछ वन लाइनर सीधे सीधे एमसीक्यू भी है, कुछ आपको रेशनल भी मिलेंगे, कुछ आपको टफ एनक्लैक्स बेस्ड के भी मिलेंगे, कुछ नॉर्सेट बेस के भी मिलेंगे। तो सारे के सारे मिक्सअप है, कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं, मतलब ढेर सारा खजाना है अपने पास में सीवीएस सिस्टम का। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है और पूरा का पूरा एमसीक्यू बैच है, थ्योरी नहीं है इसके अंदर, पूरा का पूरा एमसीक्यू बैच है। तो सारे के सारे एमसीक्यू है इसमें, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्लास है। तो आप सबको शेयर करें ताकि उन सबको इसका बेनिफिट मिल सके। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो नर्सिंग कर रहे हैं। तो मेरी एक ही राय है, सबको शेयर करें, हम क्लास को कैरी ऑन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा पहला एमसीक्यू दबंग एमसीक्यू है, वो आप सभी के सामने वन लाइनर क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा जो आपको बड़े क्वेश्चन तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर पहला ही क्वेश्चन आया है, नॉर्मल नॉर्मल वेट ऑफ हार्ट इन मेल। सीधा सा पूछा है यहाँ पे, मेल के अंदर यानी पुरुष के अंदर हार्ट का वजन कितना होता है, जो नॉर्मल हार्ट होता है हार्ट का वजन कितना होता है, ये पूछा है पहले ही क्वेश्चन में। अब आपको ऑप्शन देखने हैं कितना होता है। ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 300 ग्राम और ऑप्शन डी 350 ग्राम, मतलब 350 ग्राम। अब आपको इसमें से ऑप्शन में से बताना है कि राइट आंसर इसका कौन सा है। मेल के अंदर पूछा है ना कि फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर पूछे अपन को, तो अपन कंसिडर करते हैं एक पैरामीटर को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम फीमेल के अंदर पूछे तो 200 से लेके यहाँ पे 250 कंसिडर करते हैं, 200 से 250 भी कंसिडर करते हैं। कई बार सिर्फ 250 को ही भी माना जाता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, लेकिन अपन यहाँ पे फीमेल के अंदर मानेंगे 250। ठीक है, अपन मानेंगे ये फीमेल के अंदर है। तो अब ये यहाँ से कट गया, बी आपका कट गया। अब बच्चा है आपके पास में ए सी और डी। अब ए तो फीमेल के अंदर अपन सबको पता है कि वजन कम होता है, तो ए भी अपना कट गया क्योंकि ये तो और भी कम है, तो ये 200 यहाँ से कट गया। अब आपके सामने बच्चे दो ही ऑप्शन है, 300 और 350। अब आपको इन दोनों में से ही राइट आंसर बताने हैं। कभी भी एक बार एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी अगर दो पैरामीटर है आपके पास में, जैसे कि 200 से 250 तो फीमेल के अंदर माना जाता है और 300 से 350 मेल के अंदर माना जाता है, तो ऐसा देखा गया है बहुत सारी बुक्स के अंदर, तो दोनों ही ऑप्शन है आप सभी के सामने। तो अब आप कौन सा यहाँ पे चूज़ करोगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे जर्नी। तो उसके अंदर देखना है आपको सबसे पहले 300, क्यों? क्योंकि लोवेस्ट कैटेगरी को पहले देखा जाता है, हाईएस्ट वाली को बाद में। तो लोवेस्ट कैटेगरी को ही अपन यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे और वो इसको ही राइट आंसर मानेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी के सामने इस प्रकार से रहेगा, कौन सा होगा अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है। मैंने पूरा का पूरा हिंट दे दिया आपको,
अब आपको सिर्फ राइट आंसर बताना है, कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा आप सभी के सामने 300, 300 ग्राम होता है वो मेल के अंदर माना जाता है, क्योंकि लोवेस्ट कैटेगरी है, 350 भी जा सकता है कोई भारी मेल, भारी मतलब शरीर का आदमी होता है उसमें 350 तक भी जा सकता है। तो ये, और हार्ट का जो शेप होता है वो आपको मैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ओन फिस्ट, यानी हार्ट की जो साइज़ है वो कितनी होती है मुट्ठी के आकार की, अपनी जो मुट्ठी होती है खुद की उतना ही हार्ट होता है। और एक बात और ध्यान रखना, मुट्ठी के आकार का एक और ऑर्गन ऑर्गन होता है बॉडी के अंदर, स्प्लीन बोलते हैं जिसे, वो भी हार्ट के जैसे ही होता है, मतलब हार्ट जितना बड़ा ही होता है वो भी मुट्ठी के आकार का ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को बिल्कुल कंसिस्टेंटली याद रखनी है, याद रहेगा सबको। इवन 300 ग्राम, 300 ग्राम से याद रखना, और भी कुछ चीज़ें हैं अपने पास में 300 ग्राम से रिलेटेड। अब क्या है आप बता सकते हो? आप बताओ तो, आप बताओ। मेजोप्रोस्टोल याद है, OBG के अंदर पढ़ते हैं मेजोप्रोस्टोल, वो इतना मैं डीप नहीं घुसूंगा लेकिन बता रहा हूँ वो भी एक नॉलेज के लिए। अब आता है अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कॉमन टाइम ऑफ अकर MI, MI होने का सबसे मोस्ट कॉमन टाइम कौन सा है, सबसे ज़्यादा MI किस टाइम पे होते हैं। तो टाइम भी यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं, कौन कौन से टाइम है, 12 बजे से 2 बजे के बीच, सुबह 12, आधी रात को 12 बजे से सुबह 2 बजे के बीच, क्या 2 से 3 बजे के बीच होता है, क्या 4 से 5 बजे के बीच में होता है, क्या 2 से 4 बजे के बीच में, एक्यूरेट रेंज बतानी है। पूरा थ्योरी में अपन ने पढ़ा है ये लाइन भी, अगर थ्योरी आपने पढ़ी हो सही से MI वाली, तो MI वाला चैप्टर अगर अच्छे से पढ़े हो तो पहली या दूसरी स्लाइड में मैंने टाइम दे रखा है, तो आपने अच्छे से पढ़ा हो तो यहाँ पर आंसर आपका धड़ाधड़ आएगा। वहाँ पे पढ़ा था अपन ने 2 से 4 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा MI कोच करता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 से 4 बजे के बीच में, तो डी आपका वो ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखें अपन, तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इन एडल्ट, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, एक होता है कार्डियक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है और कार्डियक आउटपुट क्या होता है, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है। तो कार्डियक आउटपुट, पहले स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर बात करें तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें से जो जो ब्लड बाहर की तरफ निकलेगा एरोटा के अंदर, तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बार का मतलब एक पल्स अगर जनरेट होगी उसके अंदर जितना ब्लड जाएगा वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हुआ, और स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू कितनी बार होता है हार्ट एक मिनट में, 72 बार। तो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है 70 से लेके 110 मानी जाती है, तो 70 को आप इनटू करोगे 72 से, 70 को इनटू करोगे 72 से, यानी 70 को 72 से इनटू करोगे तो कितने आएंगे, तो वही आपकी सही रेंज होगी, वो आपका जो रेंज होगा जो इनटू करने के बाद में जो आएगा आपके पास में पैरामीटर, अगर अपन 70 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, क्योंकि 72 क्या है, 72 अपना पर मिनट के हिसाब से हार्ट बीट जनरेट करता है, हार्ट है वो कितनी बीट जनरेट करता है एक मिनट में, 72 बार, 72 बार, 72 टाइम यह जनरेट करता है। और अपनी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितनी है, 70 से लेके 110 तक मानी जाती है, तो अपन 70 यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं नॉर्मली, और 70 को इधर मल्टीप्लाई किया अपन ने तो वो कितना मिला अपन को, अपने पास कितना पैरामीटर मिलेगा, तो इसमें से आपको बताना है, मल्टीप्लाई करके बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर है, 500, 5040, 4050 या 5100, 500 है क्या, 5040 है क्या, 4050 है क्या, 5100 है। अब आपको राइट आंसर चूज करके बताना है कौन सा है। इवन मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अपन को कुछ नहीं करना है, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को इनटू करना है किससे, हार्ट रेट से, नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम है अपने पास में 72, इनटू हार्ट रेट कितनी है, सॉरी स्ट्रोक वॉल्यूम है अपने पास में 70 यानी 70, और हार्ट रेट कितनी है 72। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ, इसमें जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर होगा, और इस स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट बराबर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट। अब है कार्डियक आउटपुट बराबर कितना होगा, कार्डियक आउटपुट
5,000 और 40 के समथिंग आएगा। अब आपको राइट आंसर देना है, कौन सा राइट आंसर है दीजिए। यस, ये जो सेकंड वाला है आपका, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये पैरामीटर। ये आपको 5,000 और 40 है वो नॉर्मल होगा। अब आता है नॉर्मल सीवीपी एड मिड एक्जिलरी लाइन। सीवीपी मेजर करने के भी कुछ अलग अलग तरीके हैं। एड एक तो होता है मिड एक्जिलरी लाइन से किया जाता है, एक मिड क्लेविकुलर लाइन से किया जाता है। अलग अलग जगह से सीवीपी अलग अलग आता है। तो अपने आपको यहाँ पे पूछा है मिड एक्जिलरी लाइन से पूछा है कि वहाँ से सीवीपी कितना आता है। 0 से 14 सेंटीमीटर H2O, 8 से 15 सेंटीमीटर H2O, 3 से 8 सेंटीमीटर H2O और 11 से 21 mm ऑफ HG। अब आपको इसमें से राइट आंसर चूज करके बताना है। हाँ यस, आपका जो राइट आंसर है वो 8 से लेके 15 है। कितना है? 8 से लेके 15। ये तो है आपका, एक मिनट, ये तो है आपका क्या है, मिड एक्जिलरी। ये मिड एक्जिलरी का रेंज है, ठीक है, 8 से लेके 15 वाला। और ये पूछे अगर 3 से लेकर 8 वाला, अगर पूछ ले आपको 3 से लेकर 8 सेंटीमीटर H2O वाला पूछ ले, तो ये होगा आपका मिड क्लेविकुलर लाइन। ये मिड क्लेविकुलर लाइन से यहाँ पे ड्रॉ होता है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन का पूछ ले तो 3 से लेकर 8 सेंटीमीटर H2O होगा, ठीक है, इतना याद रहेगा बस, काफ़ी है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को मिल ही गया है वैसे ही। अब अगला क्वेश्चन देखें अपन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी यहाँ पे सोचने वाली ज़रूरत भी नहीं है। अब आया है अपने पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट वॉल्व ऑल आर एक्सेप्ट। तो निम्न में से हार्ट के वॉल्व है, हार्ट के 4 वॉल्व होते हैं, आपको सभी को पता है कि सारे तो हार्ट के वॉल्व है उस एक को छोड़ के। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक्सेप्ट, इस वर्ड पे ध्यान देना है, एक्सेप्ट पे। एक्सेप्ट सारे वर्ड की, सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करेगा। एक्सेप्ट का 3 तो है और एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। पल्मोनरी वॉल्व, ट्राइकस्पिड, एरोटिक और विनस रिटर्न वॉल्व। अब आपको बताना पल्मोनरी वॉल्व कहाँ होता है। अरे भाई पल्मोनरी वॉल्व कहाँ होता है? ये क्या है, ये क्या है, हार्ट। सही है, ये क्या है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। सही है। यहाँ से ये कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड। ये कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। सही है बिल्कुल, ये ट्राई का स्पीड। पल्मोनरी वॉल्व का निकलेगा ये वाला जो वॉल्व निकलेगा वो है आपका पल्मोनरी वॉल्व। सही है। फिर आता है एरोटिक, ये वाला एरोटिक वॉल्व। और ये आता है आपका बाई का स्पीड। अब बाई का स्पीड भी ऑप्शन में होता नहीं है, इसकी जगह वीनस रिटर्न है, तो ये आपका वॉल्व नहीं है। इस प्रकार का वॉल्व होता ही नहीं, 4 वॉल्व होते हैं, 4 वॉल्व आपके बता दिए, तो ये है ही नहीं। तो आपका ऑप्शन है वो चौथा वाला, वो राइट है, वो ऑप्शन डी राइट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है, यहाँ पे ऑप्शन डी। अब आया है लेंथी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। पहले पढ़ो, आप पढ़ो, खुद पढ़ो प्रश्न को, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, आप खुद पढ़ो। इस क्वेश्चन को पढ़ के मेरे को आंसर बताओ। ये रहा आपके पास में ऑप्शन। अच्छा, इस प्रकार से नहीं पढ़ते हैं, इस प्रकार से पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, अगर देखिए अपन तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्लाइंट कम इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। अब कहाँ आया है ये, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, हैविंग क्रशिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन। अब याद रखना ये चीज़, पढ़ाते समय मैंने बताया था कि मैं क्वेश्चन में डालूंगा और मैंने डाल दिया। अब क्या हो रहा है, पेशेंट को क्रशिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन हो रहा है,
क्या हो रहा है पेशेंट को? क्रशिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन। विच फाइंडिंग सस्पेक्ट बाई नर्स इन क्लाइंट, पूछा क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, देखना। विच फाइंडिंग, कौन से फाइंडिंग सस्पेक्ट करेगी नर्स क्लाइंट में? हो क्या रहा है पेशेंट को? इमरजेंसी में आया, यहाँ तक ठीक है। हैविंग, हैविंग यानी उसको हो रहा है। क्रशिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन। स्क्विचिंग नहीं पूछा है यहाँ पे, याद रखना। स्क्विचिंग पूछ ले तो आप जो सोच रहे हो वो आंसर दे सकते हो स्क्विचिंग, क्योंकि अभी अभी पढ़ा है, ताज़ा ताज़ा है स्क्विचिंग तो। लेकिन क्रशिंग पूछा है यहाँ पे, क्रशिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन, याद रखना। ये किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपको बहुत घुमाएंगे, देखना। आप जो सोच रहे हो ना उससे भी 4 गुना। एक्यूट एम आई, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर और क्रोनिक एम आई। अब बताओ, अब बताओ मुझे राइट आंसर दो। इसका राइट आंसर क्रशिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन आपको क्रोनिक एमआई के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना। क्रोनिक एमआई में देखने को नहीं मिलता है। क्रोनिक एमआई के पास में क्या होता है? डेथ। मतलब क्रोनिक एमआई अगर हो गया पेशेंट को तो डेथ होना निश्चित है, और उसको पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, याद रखना। क्या क्या कॉज करते हैं दोनों ही फैक्टर मैं बता देता हूँ, वह एक बार पहले भी बताया था लेकिन और बता देता हूँ। एक्यूट एमआई क्या कॉज करता है, कॉम्प्लिकेशन क्या है एक्यूट एमआई का? डिसरिथमिया, डिसरिथमिया, ठीक है। और क्रोनिक एमआई का क्या है? पेरिकार्डाइटिस। ये क्या है? पेरिकार्डाइटिस। तो ये किसका है? क्रोनिक एमआई का कॉम्प्लिकेशन, और एक्यूट एमआई का डिसरिथमिया। डिसरिथमिया हो सकता है पेशेंट को एक्यूट एमआई से। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? इतना हिंट दे चुका हूँ। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बता दूँ मैं। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है? स्क्विचिंग, स्क्विचिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन मिलता है। सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन स्क्विचिंग वाला मिलता है, याद रखना। अब आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कौन सा है। यस, आपका सही आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं मान गया, आप सबकी बात में दम है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो एक्यूट एमआई होगा। कौन सा होगा? एक्यूट एमआई, एक्यूट एमआई है वो राइट आंसर है इसका, याद रखना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अरे भाई, पेशेंट को क्या हो रहा है? क्रशिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब ये इमीडिएट फाइंडिंग है, अचानक से होगा, पहली बार भी हार्ट अटैक आएगा तो होगा, मतलब एक्यूट एमआई है उसको, याद रखना। तो दोस्तों, आपको इस मशीन के बारे में बताना है कि ये जो मशीन, ये जो डिवाइस आपको दिख रहा है वो हॉस्पिटल में क्या काम आता है। तो फाइंड आउट इट इमेज, इस इमेज को आप फाइंड आउट करें और बताएं कि ये क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अब देखना ऑप्शन, क्या यूएसजी मशीन है, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, अब कौन सा है देखना। पोर्टेबल कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन आपको बहुत घुमाएंगे। पोर्टेबल यानी मूवेबल, जिसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है पेशेंट के बेड के साथ में। कई बार होता है ना आईसीयू के अंदर पेशेंट का बेड, जिस प्रकार से बेड होता है उसी प्रकार सारे के सारे आर्टिकल भी होते हैं मूवेबल, जिसके पहिए लगे होते हैं नीचे। तो इसमें भी आपको कुछ पहिए दिख रहे होंगे। क्या इको मशीन है, क्या पोर्टेबल वेंटिलेटर है? अब आपको बताना है ये क्या है। मेरे ख्याल से आपको चारों ही सही लग रहे होंगे, लेकिन 4 सही नहीं है, 1 है सही है इसमें से। अच्छा, आप बताओ ये क्या है? यूएसजी मशीन है? नहीं है, यूएसजी मशीन नहीं है। ये दिख रहा है होगा यूएसजी मशीन जैसा, लेकिन यूएसजी मशीन में ध्यान रखना एक चीज, एक इम्पोर्टेंट चीज होती है यूएसजी मशीन के अंदर। ये जो एक छोटा मॉनिटर दिख रहा है, ये मॉनिटर यूएसजी मशीन के अंदर नहीं होता है। ओनली फॉर ये मॉनिटर होता है ऊपर वाला बड़ा वाला, और उसके साथ में ये सारे के सारे। लेकिन अब आपको एक चीज और, ये यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो ये आपको दिख रहा है क्या? डॉपलर जैसा कुछ दिख रहा है आपको। अब आपको बताना है ये इससे क्या होता है।
हर्ट की, यहाँ पे हर्ट का मतलब पूरा का पूरा आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है हर्ट के बारे में। तो हर्ट के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो यूएसजी मशीन यहाँ से ऑप्शन से हट गया है। हर्ट के बारे में जानकारी मिलती है तो वेंटिलेटर भी ऑप्शन से हट गया है। अब बचे हैं दो ऑप्शन, मतलब पोर्टेबल कार्डियक मॉनिटर और एक को मॉनिटर वर्ड ओनली फॉर मॉनिटर के लिए यूज आता है, याद रखना, जहाँ पे मॉनिटर लगा हुआ हो और मॉनिटर से कुछ डिवाइस लगी हो। तो ये मॉनिटर ये इस प्रकार से ये है, ये नहीं होता है नीचे की तरफ, ये सारा का सारा, ये सारा नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सी मशीन है, ये आपकी इको मशीन है। कौन सी है, थर्ड नंबर का जो ऑप्शन होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या है ये, इको मशीन है। क्या है, इको। तो इसका राइट आंसर क्या है, इको। हर्ट की यहाँ पे जानकारी ली जाती है कि हर्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉपर जानकारी पूरी रिदम टू रिदम ली जाती है, इसको बोलते हैं इको मशीन। अब आते हैं अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्लाइंट गिव ड्रग मॉर्फिन सल्फेट, एक पेशेंट है, एक पेशेंट है वो क्या ले रहा है, मॉर्फिन सल्फेट उसको चल रही है, क्या चल रही है, मॉर्फिन सल्फेट। अब मॉर्फिन सल्फेट चल रही है लेकिन अपन ने क्या किया, उसका ओवरडोज दिया है, ओवरडोज। तो एक क्लाइंट गिव ड्रग मॉर्फिन सल्फेट ओवरडोज। अब यहाँ तक प्रश्न पढ़ा अपन ने, कभी भी प्रश्न पढ़ने का, क्वेश्चन पढ़ने का एक सिंपल सा मेथड है, क्वेश्चन पढ़ो, जहाँ पर भी आपको सेकंड लाइन स्टार्ट होती है उससे पहले आपको रुकना है और वापस पढ़ना है कि एक क्लाइंट गिव ड्रग मॉर्फिन सल्फेट ओवरडोज। अब मॉर्फिन सल्फेट का ओवरडोज क्लाइंट को चल रहा है, मतलब ओवरडोज उसने ले लिया है। देन आफ्टर, मतलब उसके बाद में, व्हाट शुड असेस नर्स इन क्लाइंट। अब ओवरडोज दे दिया है, यहाँ पर रूट नहीं लिखा है, आईवी है एक, ओरल है यहाँ पे नहीं लिखा है, और सल्फेट याद रखना मॉर्फिन आता है ओनली फॉर, तो अपन ओरल भी मान सकते थे, लेकिन मॉर्फिन सल्फेट कभी ओरल ही देते नहीं है, कोई पागल नहीं होगा जो ओरल दे देगा। तो दिया हुआ है ये आईवी, आईवी ही दिया होगा। तो आईवी का यहाँ पे साइड इफेक्ट बताना है, कॉम्प्लिकेशन बताना है, क्या कॉम्प्लिकेशन है इसका। तो व्हाट शुड नर्स इंक्लाइंट, अब ओवरडोज दे दिया है तो ओवरडोज का साइड इफेक्ट होगा, तो वो साइड इफेक्ट क्या होगा वो बताना है अपन को, कि नर्स पेशेंट में क्या असेस करेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पल्स रेट बिलो 60 बीट पर मिनट, रेस्पायरेटरी रेट मोर देन 24 बीट पर मिनट। पल्स रेट है यहाँ पे 60 बीट पर मिनट, रेस्पायरेटरी रेट दे रखी है मोर देन, मतलब ज्यादा, ये बिलो, पल्स रेट तो दे रखी है बिलो, बिलो 60 बीट पर मिनट, रेस्पायरेटरी रेट दे रखी है मोर देन, मतलब ज्यादा, 24 ब्रीथ पर मिनट से भी ज्यादा। और यहाँ पे एक पैरामीटर और दे रखा है, प्यूपिल डायमीटर मोर देन 6 mm, और एक पैरामीटर और दे रखा है यहाँ पे, प्यूपिल डायमीटर लेस देन 2 mm। अब आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। मॉर्फिन का ओवरडोज दिया है तो पेशेंट के अंदर कौन सी फाइंडिंग अपन करेंगे, नर्स क्या करेगी, कौन सी फाइंडिंग, उसके अंदर कौन सा चेंजेस देखने को मिलेगा। पल्स रेट अपन देखते हैं डिगोक्सिन, डिगोक्सिन जब साइड इफेक्ट करता है तब डिगोक्सिन देते हैं, जब भी डिगोक्सिन का ओवरडोज देते हैं तो क्या करता है, पल्स रेट डाउन करता है, डिक्रीज करता है पल्स रेट। जब डिगोक्सिन देते हैं पेशेंट को तब पल्स रेट डाउन करता है, तो इसका साइड इफेक्ट होता है ब्रेडीकार्डिया। क्या होता है, ब्रेडीकार्डिया डिगोक्सिन का साइड इफेक्ट। तो ऑप्शन ए बाहर, ठीक है। अब देखें अपन, तो रेस्पायरेटरी मोर देन, रेस्पायरेटरी रेट है वो ज्यादा हो रही है, और यहाँ पर पाया जाता है रेस्पायरेटरी डिप्रेशन और डिस्ट्रेस, मतलब 12 और 10 से कम, 12 भी हो सकती है, 12 से भी कम हो सकती है रेस्पायरेटरी रेट। अगर ये ऑप्शन होता अपना तो ये राइट था, 12 बीट पर मिनट, 12 ब्रीथ पर मिनट, इससे भी अगर कम होता तो अपन उसको आंसर मान सकते थे, लेकिन ये दूसरा भी अपने बाहर हो गया, ये भी ऑप्शन राइट नहीं है। अब देखा यहाँ पे पुपिल डायमीटर मोर देन 6 mm, एट्रोपिन जो ड्रग होती है, एट्रोपिन ड्रग, उसका साइड इफेक्ट होता है, माइड्रेटिक्स ड्रग मानी जाती है उसको, तो वो प्यूपिल डायलेट करती है, और नॉर्मली जो प्यूपिल होता है
वो होता है 2.5 से लेके 6 mm माना जाता है। 6 mm तक इसका नॉर्मल पैरामीटर अपन कंसिडर करते हैं, नॉर्मल पैरामीटर 2.5 से लेके 6 तक कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है पुपिल डायमीटर मोर देन 6 से भी ज़्यादा है, मतलब पुपिल डायलेट हो रहा है। और पुपिल डायलेट कब होगा, रेशनल ढूंढना है अपन को। पुपिल डायलेट कब होगा, एट्रोपिन ड्रग देने से, माइड्रेटिक्स जो ड्रग आती है वो देने से। तो फाइनली आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ये चौथा। तो चौथा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है वो, इसमें लिखा है पुपिल डायमीटर लेस देन 2 mm। और अपन सबको पता है मॉर्फिन का साइड इफेक्ट भी होता है पिन पॉइंट पिपिल। पिन पॉइंट पिपिल में क्या होता है, लेस देन 2.5 mm डायमीटर, और यहाँ पे कितना देर का है, लेस देन 2 mm देर का। तो 2.5 से भी अगर डायमीटर कम हो जाता है, mm से भी कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पिन पॉइंट पिपिल। और यही अपन को कंडीशन इस MI के अंदर देखने को मिलेगी। तो फाइनली आपका जो राइट आंसर होगा वो 4 होगा। कौन सा होगा, चौथा वाला। चौथा वाला जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल पिपिल डायमीटर लेस देन 2 mm। तो ये आपका राइट आंसर है मॉर्फिन का, अगर ओवरडोज दे दिया। अब ओरल देंगे उसका अलग आएगा, वो भी क्वेश्चन है अपने पास में, वो भी देखना आप, उसका भी आप सही आंसर देना। अब लिखा है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन सेमी लूनर वॉल्व इज क्लोज एट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल, डायस्टोल इज हियर्ड लाउडेस्ट एट। ये लिखा है कि सेमी लूनर जो वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड इनको छोड़ के, ट्राइक स्पीड होता है बाइक स्पीड होता है, इनके अलावा हार्ट के अंदर दो और वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी और एओर्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन सेमी लूनर वॉल्व इज क्लोज्ड एट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज हियर्ड लाउडेस्ट एट, मतलब वो साउंड अपन को कहाँ पे सुनाई देगी। तो जो सेमी लूनर वॉल्व होता है वो जब क्लोज होता है, अब सेमी लूनर वॉल्व कौन कौन से होते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, चार तो वॉल्व होते हैं अपने हार्ट के अंदर, ठीक है। ये आपका हार्ट है, इस प्रकार से मान ले, एक होता है यहाँ पे ट्राइक स्पीड, एक होता है बाइक स्पीड, पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व। अब ये पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्या पूछा है कि जब ये सेमी लूनर वॉल्व ये एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व होते हैं, तो ये जब क्लोज होते हैं, इनकी क्लोजिंग जहाँ पे होती है वो वेंट्रिकल, जब डायस्टोल होते हैं तो एक साउंड आती है, वो साउंड अपन को कहाँ पे सुनने को मिलेगी। तो नॉर्मली आपका हार्ट बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपके सामने ऑप्शन है। अब आपको बताना है राइट आंसर। अब नॉर्मली जो हार्ट होता है वो इस प्रकार से होता है, देखें अपन अगर हार्ट का यहाँ पे, तो सिंपल सा है, हार्ट अपनी यहाँ पे तिरछापन लिए झुके रहता है, ठीक है। यही होता है ना हर्ट, ये इस प्रकार से होता है हर्ट। ये चारों वॉल्व होते हैं और ये इस प्रकार से सेप्टम वाला एरिया होता है ये। अब होता क्या है कि यहां से जो पल्मोनरी जो निकलता है, पल्मोनरी वो इस प्रकार से निकलता है, और एरोटिक निकलता है वो और इस प्रकार से निकलेगा, कि इस प्रकार से जो नॉर्मली एनाटोमिकल जो बॉडी का है ना पार्ट, उस हिसाब से बताना होगा, बॉडी के हिसाब से। तो हार्ट का जो साउंड अपन को जो सुनाई देगी वो यहाँ पे पूछा है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्टर्नम राइट साइड। अब स्टर्नम ये रहा स्टर्नम, ये आपका जैसे स्टर्नम है, स्टर्नम के लेफ्ट साइड में होता है बोल, जो हार्ट है वो स्टर्नम के लेफ्ट साइड में, अब ये स्टर्नम है। अब आपको ये बताना है, बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी है
का फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस कहाँ आएगा? पहले ये लाइन में लिखा है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और एपेक्स वाला एरिया आता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ी सुनाई देगी अपन को साउंड, नहीं सुनाई देगी। ऑप्शन पहला है बाहर, फिर एपेक्स ऑफ हर्ट, एपेक्स वाला एरिया मैंने यहाँ पे अभी बताया फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस राइट साइड, सॉरी ये राइट साइड है, तो ये राइट साइड में अपन को सुनाई नहीं देगा, राइट साइड तो इधर हट गया बिल्कुल ही, राइट साइड तो इधर है तो ये सुनाई थोड़ी देगा राइट साइड में, तो अपन को लेफ्ट साइड में भी नहीं सुनाई देगा, लेफ्ट साइड में भी ये यहाँ पे आ रहा है, नहीं सुनाई देगा। तो चौथा भी कट, पांचवा भी कट और एपेक्स वाला एरिया भी अपना कट। अब बचा है अपना बेस, बेस यानी बेस ऊपर होता है हार्ट का, यहाँ पे है ये बेस है, बेस वाला एरिया कहाँ पे है, ये वाला जो एरिया है वो बेस है। तो सिंपल सी बात है, अपना जो हार्ट रेट है, अपनी जो सॉरी अपना जो सेमिलर वॉल्व की जो क्लोजिंग पे जो साउंड सुनाई देगी अपन को, वो अपनी अपने को यहाँ पे सुनाई देगी। ये आपका हार्ट है नॉर्मली, तो ये एपेक्स वाले एरिया में सुनाई नहीं देगी, और ये इसके राइट साइड में बिल्कुल नहीं होगी, और लेफ्ट साइड में भी ये फिफ्थ इंटरकोस्टल पे नहीं होगी, और ये होगी तो यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आपने पढ़ा है सेमी लूनर वॉल्व, अपन ने सबने अभी देखा कि जिस प्रकार से पल्मोनरी होता है, पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वो इस प्रकार से निकलती है, और एरोटा होता है वो भी इस प्रकार से निकलता है, और दोनों ही जब जंक्शन पे आएंगे वो कहाँ किस एरिया में आएंगे, बेस की तरफ आएंगे, तो अपन को जो हेयर्ड जो साउंड सुनाई देगी सेमिनुलर वॉल्व की क्लोज होने पे, तो वो साउंड कहाँ सुनाई देगी अपन को, बेस ऑफ द हार्ट, कहाँ पे सुनाई देगी, बेस ऑफ द हार्ट, ऊपर की तरफ हार्ट के। तो आपका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा बेस ऑफ द हार्ट, बेस ऑफ हार्ट, तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ये मैंने इसीलिए डाला है, ये पूछा गया भी है एग्जाम के अंदर, जोधपुर एम्स के अंदर ये पूछा गया है एग्जाम, ये 2017 वाले एग्जाम में पूछा गया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपके सामने आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एलिवेटिंग एंजाइम फॉलोइंग हार्ट अटैक कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो हार्ट अटैक आता है, जब भी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो वो एंजाइम, वो उस एंजाइम का नाम बताना है जो हार्ट अटैक के टाइम पे सबसे फर्स्ट सबसे पहले एलिवेट होगा, मतलब बढ़ेगा, सबसे पहले बढ़ने वाला कौन सा एंजाइम होता है। ऑप्शन आपके सामने है सीपीके एमबी, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, मायोग्लोबिन। अब आपको इसमें से राइट आंसर चूज करके बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ट्रोपोनिन आई की बात करें 3 आवर में पड़ता है, ट्रोपोनिन टी की बात करें 3 to 5 आवर, 3 से 5 घंटे में ट्रोपोनिन टी बढ़ता है। सीपीके एमबी की बात करें 6 to 12 आवर, 6 से 12 घंटे में ये बढ़ता है। तो नॉर्मल सी बात है, एमआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायो से याद रखना मायोग्लोबिन सबसे पहले बढ़ता है एमआई के अंदर, तो आपका राइट आंसर होगा वो 4 होगा, मायोग्लोबिन, तो ये आपका सही आंसर, ये सबसे पहले यही बढ़ता है, लेस देन 2 आवर, 2 घंटे में यह बढ़ जाएगा, अपने पीक पे चला जाएगा। ब्लड के अंदर स्ट्रीम होता है ये, तो अपन को फाइंडिंग ब्लड के अंदर अगर मायोग्लोबिन है मतलब हार्ट अटैक आया हुआ है 2 घंटे पहले, 2 घंटे के बाद में अगर अपन करना है तो फिर सीपीके एमबी पे जाना पड़ेगा या ट्रोपोनिन आईटी इस पर जाना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी, अब आता है अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है, एमसीक्यू इसलिए बोलते हैं, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटीजी ड्रग गेव क्लाइंट विच रूट, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सबसे इजी क्वेश्चन है,
सबक्यूटेनियस देते हैं एनटीजी, क्या इंट्रावेनस देते हैं, क्या सब लिंगुअल देते हैं, क्या इंट्रा मस्कुलर देते हैं? तो सबको पता है यहाँ पे कोई सोचने की बात नहीं है, कुछ भी यहाँ पे सोचना नहीं है, डायरेक्ट राइट आंसर ही देना है। यहाँ पे सोचने की तो बात ही नहीं है, सब क्यूटेनियस तो अपन देते ही नहीं है। यहाँ पे सब क्यूटेनियस क्या जाएगा, लो मोलिकुलर वेट ऑफ हिपेरिन, LMWH, लो मोलिकुलर वेट ऑफ हिपेरिन, यानी एनोक्सापरिन, एनोक्सापरिन होता है वो सब क्यूटेनियस जाएगा। मॉर्फिन सल्फेट, जो मॉर्फिन सल्फेट जो MI में काम आता है ना, वो बता रहा हूँ मैं, मॉर्फिन सल्फेट वो इंट्रावेनसली जाएगा। IM की बात करें तो IM भी बहुत सारी ड्रग IM भी जाती है, जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक सबने यूज किया होगा, डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन आता है वो हमेशा यहाँ पे IM ही लगता है, डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन आता है वो IM ही लगता है। तो अपना बोल बचा हुआ रूट कौन सा है, सब लिंगुअल, कौन सा है, सब लिंगुअल, तो ये लगता है यहाँ पे NTG, NTG कौन से रूट से लगता है, सब लिंगुअल रूट से, तो ये अपन को याद रखना है कि सब लिंगुअल रूट से NTG लगाया जाता है, ये आपका सही आंसर है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर ऑल एक्सेप्ट। MI के यहाँ यहीं से ये क्वेश्चन उठाया है, MI में से ही क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जिनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है वो रिस्क फैक्टर है सारे, ऑल एक्सेप्ट उस एक को छोड़ के। तीन तो आपको नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर मिलेंगे, हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन का, और वो एक आपको मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर मिलेगा जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं और तीन को नहीं कर सकते, वो कौन कौन से है। एज, एज को मॉडिफाई कर सकते हैं, तो एज क्या है, नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर। हाइपरलिपिडीमिया मतलब फैट, फैट डिपोजिशन ज़्यादा हो रहा है। जेंडर और मेनोपॉज, अब आपको राइट आंसर बताना है। देखो एज को अपन नहीं कर सकते, एज को कम कभी नहीं कर सकते। जेंडर चेंज कर सकते हैं, महिला को पुरुष बना सकते हैं, नहीं बना सकते। मेनोपॉज MC रुकेगी, आपकी 45 जब भी एज होगी तो रुकेगी, तो इसको भी नहीं कर सकते। ये तीनों ही फैक्टर, ये तीनों ही जो फैक्टर है आपके वो क्या है, नॉन मॉडिफिएबल है, और नॉन मॉडिफिएबल इसके बाद में मॉडिफिएबल। हाइपरलिपिडीमिया मतलब फैट बढ़ रहा है, फैट कम करके इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपका ऑप्शन राइट है। ऑप्शन जो सेकंड होता है वो है हाइपरलिपिडीमिया, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस अकर इफ, हाइपरटेंसिव क्राइसिस है वो कंडीशन कब अकर होगी, कब डेवलप होगी, डायस्टोलिक BP मोर देन 110, सॉरी लेस देन 110, डायस्टोलिक BP मोर देन 110, डायस्टोलिक BP मोर देन 120 और डायस्टोलिक BP सॉरी मोर देन लेस देन 120 और चौथे ऑप्शन है डायस्टोलिक BP मोर देन 120। एक में दे रखा है 110 से कम, 110 से ज़्यादा, फिर 120 से कम और 120 से ज़्यादा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस बताना है, इसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे सीधा सा अपन को याद रखना, क्राइसिस वर्ड जब भी यूज होता है इमरजेंसी कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल से याद रखना क्राइसिस। तो क्राइसिस वाली कंडीशन कौन सी बनेगी यहाँ पे, ये 120 से भी ज़्यादा डायस्टोलिक BP है वो 120 से भी ज़्यादा। एक तो होता है सिस्टोलिक, सब बताए हैं थ्योरी में, अब वापस नहीं बताऊंगा। एक होता है डायस्टोलिक। अब यहाँ पे सिस्टोलिक की बात करें, सिस्टोलिक तो जाएगा कहीं पर भी, 280 भी जा सकता है, 220 भी जा सकता है, तो यहाँ पे 220 लिख दूँ मैं, 280 लिख दूँ सॉरी, और नीचे वाला कितना आएगा 120, जो आपका 80 आना चाहिए वो 40 और ज़्यादा आ रहा है,
ये अगर बीपी आ रही किसी की, वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, नीचे वाला 120 अगर ज्यादा है तो चाहे ऊपर चाहे 120 180 ही हो उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे अगर 120 से अबव है, 125 भी आ रहा है, तो अपनी कौन सी है वो बीपी, वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस के अंदर उसको काउंट करेंगे। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन 4। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है अपने पास में, एक क्लाइंट कम टू द इमरजेंसी रूम। अब एक पेशेंट आया है अपने पास में इमरजेंसी रूम के अंदर विद हेमरेजिक सीवीए, यानी हेमरेज हो रहा है उसको, ब्लीडिंग हो रही है, कार्डियो वेस्कुलर एक्सीडेंट, कहीं एक्सीडेंट हुआ उसका, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, उसमें कार्डियोवेस्कुलर सॉरी सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, मतलब उसके सिर में चोट आई है, कार्डियो नहीं है यहाँ पे, सी से सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, ठीक है, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट। अब यहाँ पे कुछ क्या पूछा है कि विच पोजिशन इज सुटेबल फॉर क्लाइंट, कौन सी पोजिशन उसके लिए बेस्ट रहेगी, पोजिशन से यहाँ पे क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है इमरजेंसी रूम में आया है वहां तक ठीक है, हेमरेज हुआ है, सीवीए हुआ है, सेम सीवीए वाला हेमरेजिक हुआ है, यानी सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट, यानी शॉक हुआ है उसको, हाइपोवोलेमिक शॉक, तो उस कंडीशन में अपन को, क्योंकि उसका ब्लड लॉस हुआ है, फ्लूड लॉस हुआ शरीर से, तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन उसके लिए बेस्ट रहेगी, फ्लैट पोजीशन, लो फाउलर, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, सेमी फाउलर। लो फाउलर का मतलब तो होता है फ्लैट पोजीशन, फ्लैट मतलब बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। लो फाउलर की बात करें तो हेड ऑफ द पेड एलिवेट होगा हल्का सा, ये 30 डिग्री के समथिंग, 15 से 30 डिग्री मानते हैं। और सेमी फाउलर की बात करें तो 30 से लेके 45 डिग्री, ये सेमी फाउलर, थोड़ा सा हल्का सा और ज्यादा पेड एलिवेट होगा। और ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन की बात करें तो फुट एंड होगा वो इस प्रकार से ऊपर होगा, ये फुट एंड है, ये फुट एंड है, और ये हेड वाला, तो ये इस प्रकार से अप होगा, ये कंडीशन होगी वो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। तो अब अपन को इसके अंदर कौन सी पोजीशन देनी है, बताओ भाई इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे आपको बताना है राइट पोजीशन कौन सी देनी होगी पेशेंट को, मैंने सारी पोजीशन एक बार बता दी, इवन फ्लैट पोजीशन अगर अपन देंगे तो उसको ज्यादा ब्लीडिंग होगी, सबको पता है, लो फाउलर देंगे तो भी ब्लीडिंग इतनी कंट्रोल नहीं होगी, ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन तो अपन दे भी नहीं सकते, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन होती तो फिर भी अपन मान सकते थे, लेकिन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन मतलब फुट एंड ऊपर नहीं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, सेमी फाउलर। सेमी फाउलर में अगर हाई फाउलर होता वो भी दे सकते थे, लेकिन सेमी फाउलर यहाँ पे बेस्ट रहती है, ना तो ज्यादा हेड ऑफ द बेड एलिवेट रहता है ना कुछ, उसको ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। अब ये पोजीशन देनी है आप सभी को, अब याद रखना इस चीज का। अगर सिंपली शोक की बात करें, शोक हुआ है पेशेंट को यहाँ पे, अगर यहाँ पे लगी नहीं है, अगर लगी नहीं है, उसको चोट नहीं है, खून नहीं आ रहे हैं, और सिंपली उसको शॉक हुआ है, उसका फ्लूड कम हुआ है, डिहाइड्रेशन में पेशेंट गया है, उसके बाद में अगर शॉक हुआ है पेशेंट को, उसके पूरे ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर, उसको चक्कर आ रहे हैं, तो उस समय अपन ये दे सकते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, अगर हेड में चोट नहीं है तो, अगर कहीं अदर चोट है तो दे सकते हैं, लेकिन अगर हेड में ही सीवीए में ही चोट है, सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है पेशेंट का, तो उस कंडीशन में अपन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे तो और ज्यादा ब्लीडिंग होगी, अगर यहाँ पे रिवर्स होता है तो रिवर्स दे सकते थे अपन, तो ये चीज का अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन नहीं होगा, सेमी फाउलर पोजीशन होगा, अपन को हेड ऑफ द बेड एलिवेट रखना है, उठाना है उसको, क्योंकि वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है कुल मिलाकर। ये माइंडेड क्वेश्चन है, यहाँ पे रेशनल ढूंढना पड़ता है, उसके बाद में आंसर देना होता है, और हर एक क्वेश्चन आपकी आंखें फाड़ देगा, उनको सोचने में मजबूर करेगा कि क्या है इसका आंसर, ऐसे तुक्के फेंक दिए तो आंसर आपका गलत है, और पढ़ाई
करो, आप कभी भी करो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करो, कोई एमसीक्यू भी कंडक्ट कर रहा है, तो आपको सिर्फ ओनली फॉर ऐसा ही देखना है कि वहाँ पर आपके पास में जो क्वेश्चन है वो क्या है, उसको दो बार पढ़े, कोई सा भी हो, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी लेके आओ, उनको पढ़ना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़े, फिर वहाँ से अपने दिमाग में एक थीम बिठाएगी, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन ने, उसके बाद में एक ऑप्शन जनरेट करो दिमाग में, ये मैंने पहले कहीं देखा है कि नहीं देखा है, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा है, तो इसका ऑप्शन ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। अब उस ऑप्शन में देखो कि वो आंसर जो आप सोच रहे हो वो उससे को रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा कर रहा है, मतलब चारों में से। अगर आपने अभी क्वेश्चन पढ़ा होता सही से कि सीवीए हुआ है, सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट, यानी सर में चोट है, आप सभी को थोड़ा थोड़ा यहाँ पे घुमा होगा दिमाग में, ये हुआ होगा। अगर अपन GERD वाले पेशेंट को देते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स को अपन इंक्रीज करने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स को इंक्रीज करने के लिए नीचे की तरफ, ताकि वो वॉमिटिंग ऊपर नहीं आए, वे नीचे आवे, तो इसी प्रकार से ब्लीडिंग हो रही है ऊपर की तरफ, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आवे, मतलब ब्लीडिंग ना होवे, उसके लिए अपन को कौन सी पोजीशन देंगे, तो रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देंगे, जो GERD में देंगे भाई। तो यहाँ पर रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग लिखा हुआ नहीं है, तो अपन को सभी को पता है लो फाउलर देंगे, उसके बजाय सेमी फाउलर अच्छी रहती है, मानी जाती है प्रायोरिटी पे, यही मानी जाती है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से घुमा के आते हैं, और यहाँ पे सेमी फाउलर राइट है, और ट्रेंडलेनबर्ग जिसने भी किया है उसका आंसर 100% गलत है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास में, थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। ए क्लाइंट सफर विद द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, याद रखना क्या पूछा है, लेफ्ट साइड, राइट साइड नहीं पूछा है, लेफ्ट साइड पूछा है, याद रखना, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रश्न, लेफ्ट साइड हार्ट फेल हो रहा है उसका पेशेंट का। क्लाइंट गिव डिगोक्सिन, अब क्लाइंट क्या ले रहा है, डिगोक्सिन ले रहा है, एक ड्रग आती है डिगोक्सिन वो ले रहा है। इसका साइड इफेक्ट क्या है मैं बता दूँ, डिगोक्सिन का साइड इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया करना, ठीक है। पहले आंसर बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ पूरा, ओवरडोज दिया है डिगोक्सिन का, अब साइड इफेक्ट पूरा का पूरा चेंज है, ब्रेडिकार्डिया होगा होगा होगा। देन आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट साइन फाइंड इन क्लाइंट, अब सबसे पहले पेशेंट के अंदर कौन सा साइन अपने को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में बहुत ही इजी पूछा है कि लेफ्ट साइड हर्ट फेल हो रहा है पेशेंट का, उसको डिगोक्सिन भी चल रहा है, डिगोक्सिन ले रहा है पेशेंट, डिगोक्सिन के बाद में अर्लीस्ट साइन फाइंड इन क्लाइंट, अब डिगोक्सिन का ओवरडोज उसने ले लिया है, उसके बाद में सबसे पहले अपन को क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, जेंटोप्सिया, ब्रेडिकार्डिया, डिसरिदमिया। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है, ओवरडोज लिया है डिगोक्सिन का, तो डिगोक्सिन का ओवरडोज लेता है तो साइड इफेक्ट के रूप में अपन को ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, सारे साइन देखने को मिलते हैं याद रखना, जेंटोप्सिया भी देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिलेगा, डिसरिदमिया भी देखने को मिलेगा, और लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलेगा, सारे ही यहाँ पे साइड इफेक्ट डिगोक्सिन के हैं याद रखना। लेकिन यहाँ पे अर्लीस्ट पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पे, अर्लीस्ट साइन सबसे पहले दिखने वाला, पहले दिखने वाला एक ही साइन होता है, और मेनर वहाँ पे रेड हाइलाइटर से हाईलाइट करके भी बताया था जब डिगोक्सिन पढ़ाया था, याद रखना, अब याद करो कौन सा था, लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं था वहाँ पे, मैंने एनोरेक्सिया लिखा था, तो एनोरेक्सिया का अर्थ भी तो लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, इसका राइट क्या आंसर क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट एनोरेक्सिया, क्या होगा एनोरेक्सिया, ब्रेडिकार्डिया डिसरिदमिया सारे ही है, जेंटोप्सिया, जेंटोप्सिया क्या होता है, येलो येलो हो जाता है कहाँ पे, अराउंड लाइट, लाइट के अराउंड येलो येलो अपन को दिखाई देता है, धुंधला धुंधला येलो येलो दिखाई देता है, इसको बोलते हैं जिंटोप्सिया। लाइट होती है ना, लाइट घर पे तो चलती है, जब उसके अराउंड अगर चारों तरफ देखेंगे अपन सराउंडिंग लाइट के, तो अपन को क्या दिखेगा, येलो येलो या डिस्कलरेशन टाइप का दिखेगा अपन को, वो कंडीशन अपनी जिंटोप्सिया कहलाती है। आप पूछते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास में आता है, ए क्लाइंट हैव राइट साइड हार्ट फेलियर, अब क्या पूछा है यहाँ पे, राइट साइड हार्ट फेलियर, पहले लेफ्ट साइड था अब राइट साइड है,
अब कौन सा साइड है? राइट साइड है, साइड चेंज है, ध्यान रखना। क्या है, कौन सी साइड है? ये राइट साइड हार्ट फेलियर। अब कौन सा है? हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट फेलियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सस्पेक्ट इन क्लाइंट बाई नर्स ऑल एक्सेप्ट, मतलब वो सारी फाइंडिंग राइट साइड हार्ट फेलियर से रिलेटेड है, उस एक को छोड़ के, वो एक कौन सा है? एडिमा, एसाइटिस, हिमोप्टाइसिस, डिस्टेंडेड नेक वेन। एक देखे, एडिमा राइट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर बताया था ये। तो यहाँ पे एडिमा, एडिमा के बारे में पूछा है, तो हार्ट के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये हार्ट आपका तो यहाँ पर राइट साइड फेल है, ब्लड आ रहा है इधर से इधर, फिर जा रहा है वापिस इन्फीरियर वेना केवा में, इन्फीरियर वेना केवा से वापिस जा रहा है पूरी यहाँ पे सिस्टम के अंदर, वापिस सिस्टम के अंदर रिटर्न हो रहा है। तो सिस्टम के अंदर अगर रिटर्न होगा, नीचे से भी तो ब्लड आ रहा है ऊपर, और सिस्टम में वापिस जा रहा है, तो सिस्टम के अंदर एडिमा वाली कंडीशन डेवलप होगी। तो मतलब राइट साइड फेलियर, तो ये फाइंडिंग है, अपन को एक्सेप्ट बताना है कि वो सारी फाइंडिंग तो है, उस एक नहीं है, एक कौन सी नहीं है, तो ये तो है। दूसरा अगर अपन देखें एसाइटिस, जब फ्लूड एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, या लीवर में भी ज़्यादा होगा, पोर्टल वेन में ज़्यादा होगा, सब जगह ज़्यादा होगा ब्लड, तो ब्लड ज़्यादा होगा तो एसाइटिस वाली कंडीशन, यानी वो वाली कंडीशन, फ्लूड यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में इकट्ठा हो सकता है, तो ये वाली कंडीशन भी राइट है। तीसरा देखें हेमोप्टाइसिस, तो ये अपन छोड़ देते हैं, अभी नहीं पढ़ते हैं। अब यह डिस्टेंडेड नेक वेन, अब डिस्टेंडेड नेक वेन का मतलब, अब ये एक जो इन्फीरियर वेना केवा में ब्लड आया, तो राइट साइड हार्ट फेलियर से यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा में भी तो ब्लड जाएगा, सुपीरियर वेना केवा में जाएगा, तो नेक जो यहाँ पे सीवी, यहाँ पे जो नेक, नेक वाला जो एरिया है वहाँ पे कैरोटिड जो आर्टरी होती है, कैरोटिड जो वेन होती है उसका प्रेशर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे कैरोटिड वेन का प्रेशर, यहाँ पे कैरोटिड वेन सीवी, तो कैरोटिड वेन का प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर कैरोटिड वेन का प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे नेक है, नेक की जो वेन है, गले की जो वेन है, यहाँ पे वो डिस्टेंडेड हो जाएगी, मतलब चौड़ी हो जाएगी, तो इसके अंदर भी डिस्टेंड पाया जाएगा। तो ये फोर वाला ऑप्शन भी राइट है। और हिमोप्टाइसिस मतलब कफ के अंदर ब्लड आना, कफ में ब्लड आना, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे किसका होगा, ये अपने देखते हैं लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, तो यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम आता है ब्लड, फिर पल्मोनरी वेन से होता हुआ वापस लंग्स में जाएगा, और ये लंग्स से वापस ये हेमोप्टाइसिस करेगा, वहाँ पे इकट्ठा होगा ब्लड, वहाँ पे एल्विलाई के अंदर इकट्ठा होगा, और एल्विलाई से यह रप्चर होके यहाँ पे एयर के अंदर घुस जाएगा, और एयर से यह वापस अपने नोजी तक आ जाएगा, और यहाँ पे कफ आएगा उसके अंदर भी ये ब्लड आने लग जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन है, वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का अर्ली साइन है। तो ये यहाँ पे तीन है, एडिमा है, एसाइटिस है, डिस्टेंडेड नेक वेन है, और एक नहीं है, हेमोप्टाइसिस नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, आपके माइंड को फ्रेश कर देगा, तरोताजा कर देगा, हेमोप्टाइसिस इसका राइट आंसर होगा, जो राइट साइड हार्ट फेलियर का साइन नहीं है। अब पूछा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, द हाफ लाइफ स्पान ऑफ मॉर्फिन सल्फेट, हाफ लाइफ स्पान पूछा है, फुल लाइफ स्पान नहीं पूछा है। अब आपको बताना है चारों में से राइट आंसर, 6 से 8 घंटे, 2 से 4 घंटे, 8 से 10 घंटे, 12 से 24 घंटे, इसका राइट आंसर होगा। आपको बताना है, पहले आप बताओ, इवन मॉर्फिन सल्फेट की फुल लाइफ स्पान होती है वो मानी जाती है 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे फुल लाइफ स्पान मानी जाती है मॉर्फिन सल्फेट की, इसकी मॉर्फिन सल्फेट की फुल लाइफ स्पान मानी जाती है यहाँ पे, को कितनी मानी जाती है, 6 से लेके 8 घंटे फुल। अब 6 से 8 की आधी क्या होती है, 3000 होती है नॉर्मली, 3000 ऑप्शन में नहीं है, तो अपन को क्या चूज करना है, 2 से 4 घंटे, तो यह राइट आंसर है, 2 से 4 घंटे। फुल लाइफ स्पान पूछे तो अगर फुल पूछ ले तो 6 से 8। तो आपका ये जो ऑप्शन है, ये जो आंसर है वो आया, इसका राइट आंसर है 2 से 4 घंटे। अब आता है अपने पास में एक अलग सा क्वेश्चन,
मैक्सिमम इम्पल्स पल्स इज नॉन एज। मैक्सिमम इम्पल्स पल्स किसे बोलते हैं? पल्स भी कई प्रकार की होती है, सेंट्रल पल्स, पेरिफेरल पल्स। तो हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ब्रेकियल पल्स एज पेरिफेरल पल्स, मतलब ये एग्जांपल है पेरिफेरल पल्स का, ब्रेकियल पल्स। फेमोरल भी ब्रेक यहाँ पे उसी का एग्जांपल है पेरिफेरल का। कैरोटिड भी पेरिफेरल, और एपाइकल है वो सेंट्रल पल्स का एग्जांपल है। हिंट दे दिया मैंने सेंट्रल पल्स, याद रखना उसका एग्जांपल कौन सा है, एपाइकल। और पेरिफेरल के तीनों, ऊपर वाले तीनों है ये पेरिफेरल के, पेरिफेरल पल्स के और एपाइकल पल्स के। यहाँ पे सेंट्रल पल्स का ये एग्जांपल है एपाइकल पल्स, और सेंट्रल पल्स को ही बोलते हैं मैक्सिमम इम्पल्स पल्स। अब तो मैं ज़्यादा बताऊंगा ही नहीं, अब आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पूरा का पूरा अलग से ड्रॉ करके बताया एनाटॉमी वाले चैप्टर में। एनाटॉमी वाला जब अपन ने 1 से 5 तक पढ़े थे पार्ट, उसी के अंदर था इसका पूरा डिटेल। यहाँ पे पल्स लिखा हुआ है, पूल नहीं है, मैक्सिमम इम्पल्स पल्स। यहाँ पे एस लगा देना आप, टाइपिंग मिस्टेक है। यस, आपका 4 आंसर है एपाइकल पल्स। एपाइकल पल्स कहाँ होती है, एपेक्स वाले एरिया में। ये हर्ट है, ये बेस वाला एरिया, और ये एपेक्स वाला, यहीं पे एपाइकल पल्स फेल्ट होती है। मैक्सिमम इम्पल्स पल्स मोस्ट एक्यूरेट पल्स और इम्पोर्टेंट पल्स भी होती है, और यहीं से ये सेंट्रल पल्स भी इसको ओपन कंसिडर करते हैं। इन्फेंट की मोस्ट कॉमन पल्स भी होती है ये एपाइकल पल्स, ये यहीं से ली जाती है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बर्न विद इन 24 to 48 आवर, 24 घंटे से लेके 48 घंटे के बीच में बर्न के कारण डेथ होने का सबसे मुख्य कारण कौन सा है? हिंदी में मैंने बता दिया है ट्रांसलेट करके, हाइपोवोलेमिक शॉक, एक्यूट एनाफाइलेक्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक होता है विद इन 48 आवर, विद इन 48 आवर में। सेप्टिक शॉक होता है आफ्टर 48 आवर। आफ्टर 48 आवर होने वाला शॉक कौन सा है, सेप्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक कैसे बोलते हैं, इन्फेक्शन। पहले हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, अगर उसको ट्रीट नहीं किया तो सेप्टिक शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 48। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 48 आवर के बाद में जो होने वाला यहाँ पे जो शॉक है अपने बाद में आता है सेप्टिक शॉक होता है। एक्यूट एनाफाइलेटिक की बात करें तो जब भी मधुमक्खी काटती है या जब भी कोई एलर्जी होती है शरीर को, किसी ड्रग का रिस्पॉन्स होता है, किसी ड्रग के अगेंस्ट रिएक्शन करती है ड्रग अगर बॉडी के अंदर, तो वो एक्यूट एनाफाइलेटिक शॉक डेवलप करता है। कार्डियोजेनिक शॉक है, हमें कार्डियक से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आपको बताना है यहाँ पे बर्न से रिलेटेड, तो बर्न का भी कौन सा 24 से लेकर 48 घंटे के बीच में। तो यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक ये आपके पास में बिल्कुल बेस्ट आंसर है हाइपोवोलेमिक शॉक, क्योंकि सबसे पहले जो जनरेट होता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक ही होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, हाइपोवोलेमिक शॉक। सेप्टिक शॉक कब होगा, 48 घंटे के बाद में। 48 घंटे के बाद में होने वाला जो शॉक होगा वो सेप्टिक शॉक, मतलब इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर हाइपोवोलेमिक शॉक को अपन ने ट्रीट नहीं किया तो वो सेप्टिक शॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपके सामने बहुत ही फंटास्टिक थे और आंसर भी बहुत फंटास्टिक है। अब आता है अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल आर एक्सेप्ट। ब्लड वेसल्स है, तीन आपको मिलेगी ऐसी ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सीधा सा मीन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कैरी करेगी वही आपका राइट आंसर होगा। एक्सेप्ट में पूछा है, तीन तो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है और एक ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, वो आपको बताना है। पहली इन्फीरियर वेना केवा,
वेन है, इंफीरियर वेना केवा मतलब डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये अपवाद होती है, बताया था अम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी दोनों ही अपवाद होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी भी डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, अम्बिलिकल आर्टरी अभी मैंने बता ही दिया अम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी वेन, तो यही आपका राइट आंसर है पल्मोनरी वेन। ये चौथा जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर है पल्मोनरी वेन। इन तीनों के अंदर तो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन में यही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑल, तो सारे तो ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है एक्सेप्ट एक को छोड़ के, तो वो एक कौन सी छोड़ के, अपन किसको छोड़ रहे हैं अपन, पल्मोनरी वेन को, तो ये आपका राइट आंसर होगा पल्मोनरी वेन। क्या होगा राइट आंसर, पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन। अब आता है अपने पास में हार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट का हार्ट, दिल का दिल किसे बोलते हैं, दिल का दिल किसे बोलते हैं, एस ए नोड, ए वी नोड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे नोड को बोलते हैं अपन हार्ट ऑफ हार्ट, याद रखना हार्ट ऑफ हार्ट किसे बोलते हैं, ऐसे नोड को, ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट, और हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, हार्ट ऑफ इंडोक्राइन, हार्ट ऑफ इंडोक्राइन, इंडोक्राइन का हार्ट किसे बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को। और पिट्यूटरी, पिट्यूटरी भी एक ग्लैंड होती है जिसकी दो ब्रांच होती है, पहला हाइपोथैलेमस से आता है पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी की दो एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो ये अलग अलग होता है। एवी नोड, जब ऐसे नोड वर्क करता है तो ऐसे नोड अगर फेल हो गया तो अपन पेस मेकर लगाते हैं, पेस मेकर अगर नहीं लगाया है तब तक एवी नोड काम करेगा, एवी नोड है वो 60 बीट पर मिनट के हिसाब से ये भी हार्ट बीट जनरेट करेगा। तो ये इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। अब अपने पास में आता है ए क्लाइंट ब्लॉकेज एट पोस्टीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी विच वॉल ऑफ हार्ट डैमेज। अब यहाँ पे पूछा है पोस्टीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी डैमेज हुई है, ये अगर कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड अपन एनाटॉमी देखें वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कौन सा ब्लॉकेज, कौन सा एमआई काम करता है, मतलब कौन सा एमआई डेवलप करता है, तो यहाँ पे साली, साली पड़ा होगा तो SALI, तो उसी के अंदर मैंने कुछ और भी चीज़ें बताई थी, तो उसी हिसाब से अपन अगर देखें तो एक क्लाइंट ब्लॉकेज, ब्लॉकेज आ रहा है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कौन से पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट के कौन से पार्ट को, इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेप्टल, कौन से पार्ट को करती है, तो पोस्टीरियर वॉल MI, लेटरल वॉल MI, सेप्टल वॉल MI और इंटीरियर वॉल MI। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है वो कहाँ जाएगी, तो वो जाएगी यहाँ पे इंफीरियर वॉल MI में, तो इंफीरियर वॉल MI डेवलप करेगी, इंफीरियर यहाँ पे एरिया में यह जाएगी। विच वॉल ऑफ हार्ट डैमेज, अब कौन से हार्ट का, कौन सा हार्ट डैमेज करेगी, ये इंफीरियर वॉल डैमेज करेगी, तो ये पोस्टीरियर है ना, पोस्टीरियर वो इंफीरियर से यहाँ पे बिलोंग करता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज आएगा तो वो इंफीरियर वॉल MI कॉज करेगा, क्योंकि इंफीरियर पार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी करती है। सारा का सारा मैंने बताया था, वो चैप्टर आप वापस खोल के देखना, आराम से वहाँ पे मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा डिटेल में। अब आता है एक और धमाकेदार क्वेश्चन, नर्स गिव क्लाइंट एस्प्रिन ओवरडोज, अगर किसी पेशेंट ने एस्प्रिन का ओवरडोज लिया है, एस्प्रिन का ओवरडोज ले लिया है, देन विच मेडिकेशन यूज, उसके बाद में अपने को कौन सी मेडिकेशन यूज करनी है, सीधा सा नहीं पूछा है कि एस्प्रिन का एंटीडोट क्या है, लेकिन किसी ना किसी रूप में अगर अपन देखें तो एक अलग रूप में अगर अपन देखें तो एस्प्रिन का एंटीडोट यहाँ पे पूछा है, नर्स गिव क्लाइंट, नर्स कौन सी मेडिकेशन देगी अगर एस्प्रिन का ओवरडोज उसने दे दिया है, तो प्रोटामाइन सल्फेट, विटामिन के, सोडियम बाइकार्बोनेट, नलगजोन। मोरफिन सल्फेट का एंटीडोट माने तो नलगजोन होता है, और कोगुलेंट जो ड्रग होती है उसका जो एंटीडोट होता है वो एंटीकोगुलेंट विटामिन के होता है।
अब आपको बताना है राइट आंसर। हिपेरिन और वारफरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट। अब बचा क्या है, सोडा बाइकार्बोनेट। देखो प्रोटामाइन सल्फेट हिपेरिन और वारफरिन का एंटीडोट होता है, हिपेरिन और वारफरिन का एंटीडोट, और विटामिन के कोगुलेंट ड्रग का एंटीडोट होता है। नेलेक्सोन होता है वो मॉर्फिन सल्फेट का एंटीडोट होता है, और सोडा बाइकार्बोनेट है वो एस्प्रिन का एंटीडोट होता है। एस्प्रिन का एंटीडोट कौन सा है, सोडा बाइकार्बोनेट। तो ये चारों के चारों ड्रग है, चारों के चारों एंटीडोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको हार्ट वाले चैप्टर में से इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे एंटीडोट के रूप में, और वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको यहाँ पे रिमेम्बर जरूर करें। अब आता है अपने पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक क्लाइंट हैव स्क्विचिंग सब एक्सटर्नल पेन, व्हाट शुड प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन बाय नर्स। एक पेशेंट है उसको स्क्विचिंग सब एक्सटर्नल चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट सब एक्सटर्नल मतलब वो चेस्ट ही हो गया, एक्सटर्नल के नीचे वाला पार्ट वो चेस्ट के अंदर ही आता है, इसलिए मैंने चेस्ट नहीं लिखा है। तो वहाँ पे पेन हो रहा है, सब एक्सटर्नल पेन हो रहा है उसको, स्क्विचिंग चेस्ट पेन भी बोल सकते हैं। तो व्हाट शुड प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन बाय नर्स, अब नर्स क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन करेगी, नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है कि सबसे पहले क्या करेगी। टू गिव नाइट्रोग्लाइसरीन, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना अपन डॉक्टर नहीं है, ठीक है। टू गिव नाइट्रोग्लाइसरीन, अब आपको सोच के बताना है कि आप नाइट्रोग्लाइसरीन दोगे कि नहीं दोगे। यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है मेडिकेशन, उसके बाद में आप क्या एडवाइस करोगे। सीधा सा पूछा है कि पेशेंट आया अपने पास में स्ट्रीचिंग सब एक्सटर्नल पेन लेके, और क्लाइंट कहाँ है, आईसीयू में है, कहीं पर भी कोई से भी वार्ड में हो सकता है, क्लाइंट एडमिट है ऑलरेडी, उसको ये पेन हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, नई बीमारी हुई है। टू गिव मॉर्फिन सल्फेट, प्रोवाइड बेड रेस्ट, और गिव एस्प्रिन। तो अपन डॉक्टर नहीं है, अपन एक नर्स है, एज ए नर्स नर्सिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं अपन। तो कौन कौन से अपने पैरामीटर यहाँ पे एलिवेट करेंगे अपन, ए बी और डी। नाइट्रोग्लिसरीन एंटीजी नहीं दे सकते हैं, मॉर्फिन सल्फेट अपन नहीं दे सकते हैं, गिव एस्प्रिन नहीं दे सकते हैं, पेशेंट को ओनली फॉर बेड रेस्ट अपन दे सकते हैं, बेड रेस्ट की सलाह दे सकते हैं, ये प्रायोरिटी इंटरवेंशन है। पेशेंट आराम से उसको बेड रेस्ट देना है, उसके बाद में अगर उसकी ओटू कम है तो उसको ऑक्सीजन लगानी है, उसके बाद में कॉल द फिजिशियन, ये प्रायोरिटी बनती है एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। एंजाइना पेक्टोरिस का ही यहाँ पे क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेन किस में देखने को मिलता है, स्क्विचिंग सब एक्सटर्नल पेन एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर, वो भी स्टेबल एंजाइना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, सी, टू प्रोवाइड बेड रेस्ट। एक बात हमेशा ना याद रखना, अगर मेडिकेशन एक तो होता है प्रिस्क्राइब्ड, अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब, क्वेश्चन को पढ़ना है दो बार, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर दी है डॉक्टर ने, उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिस्क्राइब्ड एज ए प्रिस्क्राइब डॉक्टर मेडिकेशन आप कौन सी मेडिकेशन दोगे, तो प्रिस्क्राइब कर रखी है डॉक्टर ने ऑलरेडी किसी डिजीज के लिए, तो उसमें से अगर फिर ऑप्शन आवे नर्सिंग प्रायोरिटी पे तो अपन को मेडिकेशन का नाम लिखना है। लेकिन डायरेक्ट पूछे प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, तो अपन को नर्सिंग इंटरवेंशन करना नहीं कि डॉक्टर बनना है। होने में तो इसका राइट आंसर मॉर्फिन भी लिख सकते थे आप, पेन हो रहा है मॉर्फिन सल्फेट भी लिख सकते हो, एस्पिरिन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन जो अकॉर्डिंग होगा नर्सिंग इंटरवेंशन के वो प्रोवाइड बेड रेस्ट ही होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखे कि नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर क्या आता है और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन रहता है, तो वो अपन को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे अगले क्वेश्चन में, एक क्लाइंट एडमिटेड इन कार्डियक आईसीयू, कार्डियक आईसीयू वार्ड के अंदर एक पेशेंट एडमिट है और कंप्लेन कर रहा है चेस्ट पेन हो रहा है उसे इन इंटरमिटेंट टाइम ड्यूरेशन। इंटरमिटेंट का मतलब होता है थोड़े थोड़े टाइम में,
थोड़ा हुआ रुका, फिर थोड़ा और होगा फिर रुकेगा, तो इंटरमिटेंट टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको पेन हो रहा है। वॉट शुड असेस बाई नर्स इन क्लाइंट, अब आप क्या असेस करोगे उस क्लाइंट के अंदर। अभी रुक जाओ, एंजाइना पेक्टोरिस मत करो, कोई एंजाइना पेक्टोरिस आंसर नहीं देगा इसका, ना मन में सोचेगा, ऑप्शन देखो फिर आंसर दो। ऑप्शन आपको बहुत घुमाएंगे, हार्ट अटैक पेन, स्टेबल एंजाइनल पेन, वेरिएंट एंजाइनल पेन, अनस्टेबल एंजाइनल पेन। आप एंजाइना एंजाइना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एंजाइना कर रहे हो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल, वेरिएंट, अनस्टेबल इनमें से देना है। तो ए तो आपका बाहर हो गया आपकी वजह से, क्योंकि आप बोल रहे हो एंजाइना, तो हाँ एंजाइना में मान रहा हूँ, एंजाइना में कौन सा है आप बताओ। थोड़े थोड़े टाइम में पेन होगा, अब वो वेरिएंट में होगा, अनस्टेबल में होगा, स्टेबल में होगा। देखो आप राइट आंसर इसका, स्टेबल एंजाइनल पेन, स्टेबल के अंदर इस प्रकार का पेन अपन को देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेबल याद रखना हमेशा। अनस्टेबल में पेन रुक रुक के नहीं होगा, लगातार होगा, और MI के पहले वाली कंडीशन होती है, और वेरिएंट के अंदर पूरा का पूरा अलग टाइप से पेन होगा। वेरिएंट के अंदर इस प्रकार से ब्लड वेसल्स मिलेगी आपको, ब्लड वेसल्स खुद ये तो नॉर्मल होती है, नॉर्मल फाइंडिंग है ब्लड वेसल्स की, लेकिन ब्लड वेसल इस प्रकार से होगी, ब्लड वेसल्स खुद ही इस प्रकार से हो जाएगी, ये कंडीशन वेरिएंट वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसका चीज का अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, स्टेबल एंजाइनल पेन, स्टेबल एंजाइनल पेन। अब आपको एक डिवाइस दिख रहा होगा, क्वेश्चन पूछा है फाइंड आउट इट डिवाइस इमेज, इमेज के अंदर जो डिवाइस दिख रहा है उसको आपको फाइंड आउट करना है। इसके अंदर एक हार्ट का डायग्राम दे रखा है, ये एक और मैं बता दूं, ये लेटेस्ट आया है, नया है, हो सकता है आपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखा होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर देख सकते हैं, गवर्नमेंट में भी ये सुविधा इतनी नहीं आई है, लेकिन कहीं कहीं गवर्नमेंट में भी है, कुछ स्पेशल ICU वार्ड में देखने को मिल सकता है आपको। ये क्या है आपको बताना है, होल्टर मॉनिटर, ये हार्ट से रिलेटेड ही है क्योंकि हार्ट वाला चैप्टर के MCQ अपन पढ़ रहे हैं। कार्डियोफोनोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, हार्ट से रिलेटेड है तो इसको तो बाहर है, ये तो ब्रेन से रिलेटेड है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, क्योंकि ये तो एंसेफेलाइटिस के लिए यूज आता है, तो इसको तो अपन ने बाहर कर दिया। अब ये आपको बताना है, होल्टर मॉनिटर क्या होता है अपन सभी को पता है, होल्टर में कुछ चेस्ट लीडे लगती है, वो उसका डायग्राम है बिल्कुल अलग था, तो ये भी नहीं होगा। कार्डियोफोनोग्राम तो बिल्कुल कान में लगाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा, ये आपका सिंपल सा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ECG है, ECG मशीन है या नई वाली, पहले क्या आती थी वो लीडे वाली, वो सब कुछ आती थी, इसमें भी है लीडे, लेकिन सबको मैंने आउट कर दिया, सिर्फ मशीन का फोटो दिया आपको, मशीन से डिवाइस से बताना ये कौन सा डिवाइस है। यहाँ से आपकी वो रील निकलती है, यहाँ ये दिख रहा है पार्ट, यहाँ से रील निकलती है और बाहर की तरफ जाती है, ये ओपन होता है, यहाँ पे ये स्टॉप, ओपन वाला इमेज भी था लेकिन मैंने वो यहाँ पे नहीं डाला है, ये डाला था, आपको ये फाइंड आउट करना था। एम्स के अंदर इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे लीड लगती है और फिर वो लीड चेस्ट पर लगती है जाके, तो ये कौन सा है अपने पास में, ECG है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब क्वेश्चन आता है लेंथी क्वेश्चन, इसको देखकर डरना नहीं है कभी भी, याद रखना बहुत सिंपल सा है, लिखा है यहाँ पे एट क्लाइंट एडमिटेड इन ICU डिपार्टमेंट, एक पेशेंट है वो ICU डिपार्टमेंट में एडमिट होता है, सफर विद द हार्ट अटैक, उसको क्या हो रखा है, हार्ट अटैक हुआ है सेकंड टाइम, दूसरी बार उसको हार्ट अटैक हुआ है, बिफोर गिवन मेडिकेशन मॉर्फिन सल्फेट, मॉर्फिन सल्फेट देने से पहले व्हाट पैरामीटर शुड प्रायोरिटी असेस बाय नर्स इन क्लाइंट,
पहले हो रखा है हार्ट अटैक, दूसरी बार आया है पेशेंट, दूसरी बार उसको हार्ट अटैक हुआ है, उसको मॉर्फिन सल्फेट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, और उसको एडमिनिस्टर करने से पहले अपन क्या करेंगे, नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रायोरिटी बेस पर पूछा है। असेस वाइटल साइन, असेस हार्ट रेट, असेस रेस्पायरेटरी रेट और असेस पुपिल रेस्पॉन्स। देने से पहले पूछा है मॉर्फिन, देने के बाद में नहीं पूछा है। बाद में पूछते तो आप ये डी वाला ऑप्शन राइट कर सकते थे। डिगोक्सिन पूछते तो आप हार्ट रेट वाला राइट कर सकते थे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन मैं बाहर करता हूँ। डिगोक्सिन पूछा नहीं है, यहाँ पे पूछा है मॉर्फिन सल्फेट, और आपका वही रेटा रेटा ये आंसर है वो राइट है, रेस्पायरेटरी रेट, क्योंकि रेस्पायरेटरी डिप्रेशन होने के चांस रहते हैं, तो पहले अपन को रेस्पायरेटरी रेट चेक करनी है, अगर नॉर्मल फाइंडिंग आती है तो ये ड्रग देनी है, उसके बाद में वापस रेस्पायरेटरी रेट चेक करनी है, अगर डिप्रेशन मिलता है तो मॉर्फिन सल्फेट को होल्ड किया जाता है, और होल्ड करने के बाद में पेशेंट को 100% O2 दी जाती है, 100% O2 दी जाती है अगर रेस्पायरेटर डिप्रेशन या डिस्ट्रेस वाला पेशेंट मिलता है तो। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। तो ऑप्शन सी आपका इज द करेक्ट आंसर, असेस रेस्पायरेटरी रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नर्सिंग इंटरवेंशन आर ट्रू रिगार्डिंग टू हार्ट अटैक ऑल एक्सेप्ट। हार्ट अटैक से रिलेटेड सारे नर्सिंग इंटरवेंशन है, उस एक को छोड़ के वो एक कौन सा इंटरवेंशन हार्ट अटैक से रिलेटेड नहीं है। तीन तो है, गिवन ऑक्सीजन 50%, गिवन मॉर्फिन सल्फेट, गिवन नाइट्रोग्लाइसरीन और गिवन एस्पिरिन। हार्ट अटैक मतलब MI, MI में क्या पढ़ते हैं, मोड़ना, याद है, मॉर्फिन सल्फेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लाइसरीन, एस्पिरिन, ये ही मुन्ना, और चारों ऑप्शन अपने पास में है, ऑक्सीजन भी है, मॉर्फिन सल्फेट भी है, नाइट्रोग्लाइसरीन भी है, एस्पिरिन भी है। इनमें से राइट आंसर बताना है कि हार्ट अटैक के रिगार्डिंग नर्सिंग इंटरवेंशन जो नहीं है, तीन तो है लेकिन एक नहीं है, एक को छोड़ के। डाउटफुल आपको ऑक्सीजन में से ही लग रहा होगा तो आपने ऑक्सीजन कर दिया, लेकिन इसका रेशनल थोड़ी पता है आपको, रेशनल ढूंढो, 100% O2 कौन कर रहा है, 100% O2 नहीं दी जाती है, याद रखना, वो हार्ट अटैक हुआ है पेशेंट को 100% O2 कहाँ से दोगे आप, 1 से 6 लीटर मानते हैं तो 1 लीटर बराबर 24%, फिर आप 2 लीटर करोगे तो यहाँ पे 24 में आपको 4 प्लस करना है 28 हो जाएगा, 3 लीटर करोगे 32, 4 लीटर करोगे 36, 5 लीटर करोगे 40, 6 लीटर करोगे 44, तो यहाँ पर 44 इज इक्वल टू 6 लीटर, और यहाँ पे माना जाता है अपने 1 से लेके 6 लीटर यहाँ पे ऑक्सीजन दी जाती है, तो 1 से लेके 6 लीटर और 24 से लेके 44%, 24 से लेके 44% यहाँ पे O2 दी जाती है, और ऑप्शन में अपन को क्या मिला है, 50%, ये ज़्यादा O2 है, ज़्यादा O2 नहीं देनी है, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो गिव ऑक्सीजन, ये वाला ऑप्शन है, ये इसका रिगार्डिंग एट्रो इंटरवेंशन नहीं होगा, और ये तीनों होंगे। अगर यहाँ पे 44% 24 से लेके 44 होता तो अपन इसको राइट मान सकते थे, लेकिन ये यहाँ पे राइट नहीं है, तो आपका ये करेक्ट आंसर है, याद रखना। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, पेरिकार्डाइटिस, हार्ट अटैक, डिसरिदमिया और हार्ट फेलियर। ऑप्शन बी आपका हार्ट अटैक है, सही है। हार्ट अटैक को क्या बोलते हैं, MI। MI में भी दो कंडीशन होती है, एक्यूट और क्रोनिक। MI की कितनी कंडीशन होती है, दो। एक्यूट MI की बात करें तो डिसरिदमिया होगा पेशेंट को, एक्यूट MI का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, डिसरिदमिया।
और क्रोनिक एमआई का पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, बचा क्या आपके पास में, हार्ट फेलियर, और ये एंजाइना पेक्टोरिस का यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन हार्ट अटैक, सॉरी हार्ट फेलियर होगा एंजाइना पेक्टोरिस का। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस का कौन सा है, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर यहाँ पे इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होगा। ऑल फाइंडिंग आर ट्रू रिगार्डिंग टू द डीवीटी एक्सेप्ट, डीवीटी से रिलेटेड, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड सारे यहाँ पे ट्रू है, सारी फाइंडिंग यहाँ पे सही है, उस एक को छोड़ के। रोज साइन डीवीटी के अंदर देखने को मिलता है, क्लस्टर लाइक वेन, होमान साइन और ए एंड सी बोथ, यहाँ पे सभी को पता है रोज साइन अपन को देखने को मिलता है और होमान साइन भी देखने को मिलता है, लेकिन क्लस्टर लाइक वेन वेरिकोस वेन के अंदर देखने को मिलती है। तो अपना ऑप्शन ए और सी, ये डी वाला है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर है, रोज साइन देखने को मिलता है, होमान साइन भी देखने को मिलता है डीवीटी के अंदर। तो ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे एक्सेप्ट पूछा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर ए सी भी है, होमान साइन भी है, रोज भी है, तो यहाँ पर क्लस्टर लाइक वेन, ये क्वेश्चन इतना घुमाया है, एक्सेप्ट में पूछा है जो ट्रू रिगार्डिंग है वो नहीं पूछा है, उसके अलावा कौन सा नहीं है, तो क्लस्टर लाइक वेन नहीं है, होमान साइन भी है, रोज साइन भी है, लेकिन क्लस्टर लाइक वेन इसका नहीं है, क्लस्टर लाइक वेन किसका है, वेरिकोस वेन का है, तो वो आपको राइट आंसर बताना था। बहुत सारों ने ए और सी बोथ किया होगा, मेरे को पता है, सब पता है, एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट पे तो कोई ध्यान देता ही नहीं। क्वेश्चन कौन पढ़े, अपन को तो सिर्फ आंसर से मतलब है। ऑल आर एसटी सेगमेंट, सॉरी एसटी एलिवेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट, ऑल आर एसटी एलिवेशन मतलब एससीजी की सब लीडो के अंदर एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा, कौन सी डिजीज के अंदर, वो ऐसी कौन सी डिजीज है, एक्यूट एमआई, क्रोनिक एमआई, अनस्टेबल एंजाइना और पेरिकार्डाइटिस, ऑल आर एसटी मतलब इन सारे डिजीज के अंदर एसटी एलिवेशन देखने को मिलेगा, ऐसी कौन सी डिजीज है उसके अंदर अपन को सारी लीडों के अंदर एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है, सारी लीडों के अंदर, एक्यूट एमआई में मिलता है लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, कौन सा एम आई है वो भी, वो डिपेंड करता है, अलग अलग एम आई में अलग अलग लीडों में चेंज मिलता है, क्रॉनिक में भी ऐसे ही होता है, अनस्टेबल एंजाइना में भी मिलता है लेकिन कुछ लीडों के अंदर मिलता है, लेकिन पेरिकार्डाइटिस ऐसी कंडीशन होती है जिसमें सब की सब लीडों में चेंजेस देखने को मिलता है, एस टी एलिवेशन सब में मिलता है, सारी की सारी लीडों में एस टी एलिवेशन मिलता है पेरिकार्डाइटिस के अंदर, ये आपका राइट आंसर होगा पेरिकार्डाइटिस। डी वी टी कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, डीवीटी कैन कॉज, डीवीटी क्या कॉज करता है, आप निम्नलिखित में से बताइए कौन सी डिजीज है, पल्मोनरी थ्रोम्बो है, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस नहीं है, थ्रोम्बोसिस है, बी भी है यहाँ पे, याद रखना बी है, थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस है ये, पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी इस्चिमिया, क्या थ्रोम्बस है, क्या इडिमा है, क्या एम्बोलिज्म है, क्या इस्चिमिया है, तो यहाँ एम्बोलिज्म है वो करेक्ट आंसर है। अब आपको बताना है ये क्या है, ये इमेज के अंदर जो दे रखा है वो क्या है, इमेज से आपको फाइंड आउट करना है कि आपको क्या दे रखा है, कि ये क्या लग रहा है, फाइंड आउट इट विच मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर का कौन सा मेथड है, क्या नॉन रिब्रीथर मास्क है, नेजल कैनुला है, नेजल मास्क है, ऑक्सीजन टेंट मेथड है, ऑप्शन आपने देख लिया, आंसर भी आपने देख लिया, आप बताओ ना, ऑप्शन देख लिया वो तो पूरा बड़ा बड़ा ऑप्शन देखा होगा आपने, कौन सा है बताओ, दिख भी गया आपको, ये बता दो आप राइट आंसर, बहुत ही सिंपल है, नेजल कैनुला है, मेथड है 24 से लेकर 44, अभी बताया था 1 से 6 लीटर तक ओ2 दी जाती है इससे, ये मुंडा में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करने का ओ का जो ऑक्सीजन बोलते हैं ना अपन, उसका बेस्ट मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इन हार्ट एरिया,
ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो अपन परफॉर्म करते हैं आइडेंटिफाई इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई इन हार्ट एरिया। हार्ट के किसी एरिया के अंदर अगर ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाता है? एंजियोग्राफी, कार्डिया कैथेटराइजेशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और इको किया जाता है या ईसीजी किया जाता है, कार्डिया कैथेटराइजेशन और एंजियोग्राफी। याद रखना, एंजियोग्राफी करने के लिए अपन कार्डिया कैथेटर का यूज करते हैं, तो ये दोनों ही ऑप्शन बाहर हो गए। और इको अपन हार्ट की यहाँ पे एक्टिविटी का पता लगाते हैं, हार्ट एक्टिव है कि नहीं है। तो ईसीजी मशीन, यहाँ पे ईसीजी आपका राइट आंसर है, ईसीजी। अब ये कार्डिया कैथेटराइजेशन या एंजियोग्राफी कब होगा? जब इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक तो है आपको MI हुआ है या ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई है, कौन से एरिया में हुए, एरिया का पता लगाने के लिए अपन को ईसीजी करनी पड़ेगी। वो बोलते हैं ना साली, यानी कौन से वॉल में MI हुआ वो। अब आपको प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द ब्लड क्लॉट इन कोरोनरी आर्टरी। अब किसी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट आया है, उस ब्लड क्लॉट का पता लगाने के लिए वो कहाँ पर है, वो क्या करेंगे? एंजियोग्राफी, ईसीजी, इकोग्राफी या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। तो इसका आंसर होगा आपके एंजियोग्राफी। अब आता है अपने पास में एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन की भरमार है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से लंग्स में ब्लड ले जाती है? पल्मोनरी वेन, अम्बिलिकल वेन, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी वेन। घुमा दिया, बहुत सारा घुमा दिया, राइट और लेफ्ट में घुमा दिया होगा। दो दो निकलती है ना, एक बार एक तरफ से चार निकलती है, एक बार दो निकलती है, तो राइट लेफ्ट में डाल दिया। अब आपको राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी। सिंपल सा है, पल्मोनरी आर्टरी। राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है, वो सी आपका, सी आपका राइट है। राइट लेफ्ट में नहीं जाना अपन को, पल्मोनरी आर्टरी। अपने जो रटा रटा आंसर है वही देना है। हार्ट शेप इन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट की शेप किस प्रकार की हो जाएगी? क्वेश्चन ने बहुत घुमा कर पूछा है, बूट शेप हार्ट, राउंड शेप, होलो फिस्ट शेप या बी एंड सी। पता है बहुत सारे बी और सी भी देंगे, कोई सी भी देगा क्योंकि खुद के मुट्ठी का आकार की होती है, कोई क्या देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक टॉफ डिजीज पड़ी होगी पीडियाट्रिक के अंदर, टेरेटोलॉजी ऑफ फेलोट, उसके अंदर बूट शेप हर्ट मिलता है और हर्ट शेप उसका बढ़ जाता है उसके अंदर भी। और लेफ्ट साइड हर्ट फेलियर के अंदर भी वही होता है, एपेक्स वाला एरिया वहाँ पे लार्ज हो जाता है, तो हर्ट मिगली, कार्डियो मिगली देखने को मिलता है, ये बूट शेप हर्ट इसके अंदर देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट कॉमन आर्टरी यूज इन एबीजी एनालिसिस। अब निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सी आर्टरी का यूज किया जाता है एबीजी एनालिसिस करने के लिए। कैरोटिड आर्टरी, अल्नर आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, रेडियल आर्टरी। कैरोटिड, अल्नर, फीमोरल और रेडियल। फीमोरल आर्टरी भी की यूज अपन कैथेटराइजेशन के लिए भी कर सकते हैं, फीमोरल वेन का भी यूज कर सकते हैं। कैरोटिड आर्टरी का यूज यहाँ पे कैरोटिड पल्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन बचे, अल्नर और रेडियल, तो रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा आपके? रेडियल आर्टरी, डी आपका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन क्लाइंट हैविंग वेरिकोस वेन कंडीशन। अगर वेरिकोस वेन वाली कंडीशन है तो बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा उस पेशेंट के लिए? कॉल द फिजिशियन, वाइटल साइन, मॉनिटर, बेड रेस्ट इन 80 to 90 degree, फुट एंड एलिवेशन। फुट का एंड एलिवेट करना है 80 से 90 degree और ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन देनी है। बेड का अगर फुट एंड 80 से 90 degree अपन एलिवेट करेंगे पेशेंट का, सोच सकते हो पेशेंट कहाँ जाएगा, पेशेंट पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। भाई ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन है ये, इस प्रकार से होता है। 80 से 90 डिग्री कितना होता है? अगर पूरा फ्लैट अपन डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, पेशेंट पूरा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, अपन को ऐसा नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी।
हार्ट डे सेलिब्रेटेड इन विच डे एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष हार्ट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 अप्रैल, 12 मई, 29 सितंबर और 21 जून। चारों डे का बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, इम्पोर्टेंस बहुत है। 7 अप्रैल को WHO डे मनाया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे, इसको WHO डे भी बोलते हैं। 12 मई को नर्सेस डे मनाया जाता है, नर्सेस डे। नर्सेस डे कब मनाया जाता है? 12 मई। और 21 जून को विश्व वर्ल्ड योगा डे। 21 जून को क्या मनाया जाता है? योगा डे। तो अब आपके पास में बचा है 29 सितंबर, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं। ए क्लाइंट हैव इनकैपेसिटेटिंग सिपिटेटिंग एंजाइना अनरेस्पॉन्सिव टू इंटरवेंशन देन आफ्टर वोट शुड डू बेस्ट मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट देने के बाद में भी, इंटरवेंशन करने के बाद में भी इनकैपेसिटेटिंग एंजाइना है वो अनरेस्पॉन्सिव है, मतलब पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है ट्रीटमेंट देने के बाद में भी, तो अपना अगला मैनेजमेंट क्या होगा? बेस्ट मैनेजमेंट। एंटीजी, एस्प्रिन, PTCA, CABG। PTCA पर क्यूटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी आर्टरी, CABG का अर्थ होता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, और NTG का अर्थ सबको पता है नाइट्रोग्लाइसरीन। तो CABG प्रोसीजर किया जाता है। अगर अनकैपेसिटेटिंग एंजाइना है, मतलब उसके अंदर पूरी सही प्रकार से ब्लड नहीं जा रहा है, तो अपन को बाईपास निकालना पड़ेगा। सबसे बेस्ट उपाय नर्सिंग इंटरवेंशन, सॉरी अपना मैनेजमेंट होगा वो यही होगा, CABG करना। ए क्लाइंट कंडक्ट ECG, ST एलिवेशन इन V1 एंड V2 लीड, देन वोट शुड असेस बाय नर्स इन क्लाइंट। V1 के अंदर और V2 के अंदर लीड के अंदर चेंज आ रहा है ST एलिवेशन में, वो एलिवेट हो रहा है, तो अपन MI में कौन सा MI अपन फाइंड आउट करेंगे? सुपीरियर वॉल MI, एंटीरियर वॉल MI, लेटरल वॉल MI, इंपीरियर वॉल MI। सारी लीडें थी, आप सभी को अभी बताऊंगा मैं कौन कौन सी लीडें थी, कौन कौन सा चेंज आ रहा था उसमें, सारा का सारा है अपने पास में, घबराने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे सुपीरियर वॉल MI था, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा था? सुपीरियर वॉल MI, कौन सा था? सुपीरियर वॉल MI। टू डिटेक्ट लोकेशन ऑफ MI, यहाँ पे ST एलिवेशन की बात करें तो ट्रिक थी सेप्टल वॉल MI, V1 और V2। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे सुपीरियर के जगह पे आप कर देना सेप्टल वॉल MI, कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, सेप्टल कर देना, यहाँ पे क्या है? सेप्टल वॉल MI, तो यहाँ पे क्या है? सेप्टल वॉल MI, तो उसी से याद रखना, ये सुपीरियर नहीं है, सेप्टल वॉल MI है। सेप्टल वॉल MI V1 और V2 में देखने को मिलता है, V1 और V2 में सेप्टल वॉल MI में देखने को मिलता है ECG चेंज। एंटीरियर वॉल MI के अंदर V3 और V4 में, लेटरल वॉल MI के अंदर V5, V6 और AVL और फर्स्ट लीड में, इंफीरियर वॉल MI के अंदर सेकंड, थर्ड और AVF में, और पोस्टीरियर वॉल MI है तो ST डिप्रेशन मिलेगा, ये सारा का सारा अपन ने पढ़ा था। और AVR क्या इंडिकेट करता है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इफ क्लाइंट हैव डिसरिथमिया इन ICU डिपार्टमेंट, वोट शुड प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन बाय नर्स। पेशेंट को डिसरिथमिया है, ICU डिपार्टमेंट में वो एडमिट है, तो अपनी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? डिसरिथमिया के अंदर कंडक्ट ECG, नोटिफाई द फिजिशियन, डू CPR, डिफिब्रिलेट द क्लाइंट। सबसे पहले देखना डिसरिथमिया होता है पेशेंट को, CPR अपन को बाद में देना है, ECG भी कंडक्ट बाद में करना है, सबसे पहले नर्सिंग इंटरवेंशन ही होगा, क्योंकि डिसरिथमिया और ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि MI का कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट MI का, तो डिफिब्रिलेट सबसे पहले करना है पेशेंट को। ए क्लाइंट हैव पेसमेकर, पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ है, वो डिवाइस यूज फॉर डिटेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ पेसमेकर। पेसमेकर की इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है? मैनोमीटर, होल्टर मोनिटर, कार्डियक मोनिटर, कार्डियोफोनोग्राम। यहाँ पर होल्टर मोनिटर इसका राइट आंसर है, क्या है? होल्टर मोनिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिएबल कॉज ऑफ हाइपरटेंशन एक्सेप्ट,
हाइपरटेंशन के मॉडिफाई करने वाले कोज है वो सारे, उस एक को छोड़ के, हाइपरलिपिडेमिया, ओबेसिटी, जेंडर, हाइपरनेट्रेमिया। यहाँ पे मॉडिफाई किया जा सकता है तीन को, एक को नहीं किया जा सकता है। तो मैंने पहले भी बताया था एमआई के अंदर वो जेंडर है उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ओबेसिटी यानी मोटापा कम कर सकते हैं, सोडियम कम कर सकते हैं, नमक कम खाएंगे तो, हाइपरलिपिडेमिया फैट कम करके अपन इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जेंडर, तो सी है आपका राइट आंसर है। एज हुआ, ये सारे के सारे अगर आते हैं तो राइट है। ए क्लाइंट कम टू द हॉस्पिटल सफर विद द सीएडी, एक पेशेंट आता है हॉस्पिटल में सीएडी से सफर कर रहा है, देन आफ्टर व्हाट शुड योर प्रायोरिटी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मॉनिटर वाइटल साइन, डू CPR, कॉल द फिजिशियन, पेन मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। सीएडी का पेशेंट आया अपने पास में तो सबसे पहले वाइटल साइन ही मॉनिटर करने पड़ेंगे, अपन कुछ नहीं कर सकते। ए क्लाइंट टू टेक ओरल मॉर्फिन व्हाट शुड असेस नर्स इन क्लाइंट, ओरल मॉर्फिन ले रहा है पेशेंट, ये सल्फेट नहीं लिखा है, मॉर्फिन सल्फेट नहीं लिखा है मैंने, ओरल मॉर्फिन ले रहा है मतलब मुंह से ले रहा है मॉर्फिन। गाँव में बड़ा होगा कि कई गाँव में आपने देखा होगा कि बूढ़े बूढ़े जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कभी किसी को दस्त लग जाती है तो अफीम होता है उसका छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे दे देते हैं और उससे दस्त बंद हो जाती है। कभी कभी क्या होता है दस्त तो बंद हो जाती है तो, पर उससे जो डेली रूटीन डीफिकेशन वाली प्रोसेस है वो भी बंद हो जाती है और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है क्या है, तो ये ओरल ले रहा है मॉर्फिन, इसका साइड इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा, इसका साइड इफेक्ट होगा पिन पॉइंट पुपिल व्यू भी नहीं होगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी नहीं होगा। बहुत सारों ने ये तीन आंसर भी दिए हैं लेकिन ये नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो कॉन्स्टिपेशन इसका राइट आंसर है। बहुत सारे सोच रहे होंगे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्यों नहीं है, पिन पॉइंट पुपिल क्यों नहीं है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन क्यों नहीं है, डिस्ट्रेस क्यों नहीं है, तो उसका यही रीजन है ओरल ले रहा है पेशेंट। एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन चाइल्ड बिकॉज कैन कॉज, मतलब एस्प्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है चिल्ड्रन के अंदर क्यों, क्योंकि ये क्या कॉज करता है, नेप्रोटिक सिंड्रोम, न्यूरोपैथी, रे सिंड्रोम, पिपिल डायलेटेड, तो रे सिंड्रोम यहाँ पे करता है और उसकी वजह से अपन एस्प्रिन नहीं देते हैं। आज की जो हमारी जर्नी थी, आज की जो हमारी क्लास थी, लेंथी क्लास थी, वो यहीं तक थी। आप सभी को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और डिसऑर्डर से रिलेटेड और फंडामेंटल, इसी की फंडामेंटल जिसमें CABG सारे के सारे आपके सामने प्रोसीजर आए, PTCA वगैरह सारे के सारे MCQ आपके सामने पुट कर दिए हैं। कुछ प्रैक्टिस कराने के लिए MCQ थे, तो क्लास को अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए मेवाड़ी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए सिस्टम के साथ में। अपना जो सिस्टम होगा वो कल रेस्पिरेटरी से रिलेटेड होगा, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी अपन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, COVID-19 टॉपिक से रिलेटेड होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा कोरोना वायरस का जो डिजीज है वो आपको मिलेगा देखने को, चार टॉपिक के अंदर, चार क्लासों में पूरा का पूरा COVID-19 कवर करेंगे और उसके MCQ को भी साथ का साथ करेंगे। तो देखना ना भूले, कल 8 बजे की क्लास रहेगी अपनी, 8 बजे देखना बिल्कुल ना भूले।